आज मैं बताने वाला हूँ आपको ब्रेकलेट प्रॉब्लम के बारे में, जो कि अक्सर हर बाइक में होती है। जब आप ब्रेक लीवर आप प्रेस करते हो तो क्या होता है कि किसी का जो है ब्रेक लाइट जो पीछे में टेलाइट रहती है वो लाइट अप नहीं होती है, या फिर वो हाँ ब्रेक ये लीवर पुश करने या फिर इसे रिलीज़ करने पे भी वो ब्रेक लाइट जो है वो जलते रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जैसे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे जो ब्रेकलेट स्विच होती है ये क्या होता है कि ये अच्छे से प्रेस नहीं होती है। आप अगर ब्रेक लीवर प्रेस करते हो तो ये क्या होता है कि अच्छे से प्रेस नहीं होती है, जिससे कि ब्रेक लाइट जो है वो लाइटेड रहती है या फिर वो जल रही होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ताकि अच्छे से प्रेस हो, उसके लिए हम लोग यहाँ बीच में एक ऑब्स्टेकल डालेंगे जिससे कि ये ब्रेक स्विच जो अच्छे से प्रेस हो। तो उसके लिए हम लोग एक ये लेंगे ऑब्स्टेकल, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है डबल साइडेड टेप, जो कि मार्केट में 15 से 20 रुपए में मिल जाती है। ये हम लोग ये गैप ये ब्रेक लीवर और ब्रेक स्विच के गैप में हम लोग इसको चिपका देंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ये डबल साइडेड टेप यहाँ पे मैंने फिट कर दिया, ताकि ये जो ब्रेक स्विच है वो ब्रेक लीवर को पुश करने पे वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए, और आप ब्रेक जब लीवर जब छोड़ते हैं अच्छे से प्रेस हो जाए, ताकि रिलीज़ कर टाइम आपका ब्रेक लाइट जो टेल लाइट जो है वो लाइट अप हो, और इसे आपको रिलीज़ करने पे वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। यही अक्सर हर बाइक में होती है कि ये जो है बिना ब्रेक लिए लाइट जो जलती रहती है। तो ये आप छोटे से आपको 10 रुपए में या फिर 10 रुपए कम से भी कोई भी आप ऑब्स्टिकल लगा दीजिए ब्रेक लाइट स्विच और लीवर के बीच में, ताकि आपका जो ब्रेक लाइट है वो प्रॉपरली वर्क करे ब्रेक ये रिलीज़ करने या फिर उसको छोड़ने पे या फिर उसको लगाने पे। और धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।